पहली नज़र में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार पहली नज़र में तो तुम्हें एंटीक चीज़ भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और इसे तुम मोहब्बत समझते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते ना। अरे अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, तो इस क्यूट जेलसी को तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है उन्हें पिंजरों में कैद करने के लिए, आज़ाद करने के लिए नहीं, बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि याद रखो, दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दास्तां ने इश्क का बयान करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम उसकी इंस्टा स्टोरी और वो तुम्हारी फेसबुक स्टोरी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार मोहब्बत को फिल्टर के साथ सेव नहीं किया जाता, उससे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है, अगर उसके कपड़ों को बेपर्दा होने से पहले तुम्हें अपने सारे राज उसके सामने खोल दिए हैं और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारी एक कमीज पर बैठा हो और तुम्हारी हर मुस्कान की वजह उसकी नादानियां ही हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार है। अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा दो और जहां मौका मिले बस उसे कहते रहो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। क्योंकि किसी मोहब्बत से मुलाकात होने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लम्हा अर्जा बीत जाता है।